हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग सब? मुझे पहचाना? मैं सतोशी, इस स्टोरी का नरेटर, जो इस पूरी कहानी को नरेट करेगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इन 2 सालों में जो भी कुछ मैंने झेला है, वो मैंने कभी नहीं देखा था। मेरी पूरी ज़िंदगी 2 सालों में बदल गई थी, जब तक मेरी लाइफ का वो डार्क पीरियड शुरू ही नहीं हुआ था। तो इसकी शुरुआत 2020 में ही हो गई थी, जब पूरी दुनिया अपने घर में बंद थी सिर्फ एक वायरस की वजह से। इस वायरस के बारे में हमने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था कि किस तरह एक वायरस ने पूरी दुनिया ही बदल सकता है, और इसके सामने हर कोई छोटा दिखता है। हम स्टूडेंट की लाइफ टाइम की छुट्टी पड़ गई थी। फिर वो दिन आया जो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, जो तब शुरू हुआ था जब मैंने धारियो को पहली बार टीवी पर देखा था। उसका वो पहला सॉन्ग मेरे दिल को मना छू सा गया, मैं एक अलग ही दुनिया में खो गया था, अलग ही दुनिया में खो जाता। फिर वो मनोज दिन मेरी लाइफ में आया जब मेरे हाथ की एक उंगली टूट गई थी। मैं डॉक्टर के पास गया। आओ बेटा, क्या हुआ? मेरे हाथ की एक उंगली टूट गई। डॉक्टर, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। डॉक्टर ने मेरे पूरे हाथ पर प्लास्टर बांध दिया था, और 1 महीने बाद मेरा हाथ फिर से ठीक हो गया। फिर वो दिन आया जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतजार था, 25 दिसंबर। तारिया का नया गाना तारिया था। उस गाने ने रिलीज होने से पहले ही 50K व्यूज पूरे कर लिए थे। और फिर 2021 शुरू हुआ, हमारे स्कूल भी शुरू होने वाले थे। कोरोना का केस ज्यादा होने की वजह से स्कूल फिर से बंद हो गए, और कुछ टाइम बाद हमारा रिजल्ट भी आ गया था। इसी साल मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला था इंस्टाग्राम पर। सबसे पहले मैं प्रतिमा मागर से मिला, एंड देन आई मीट टू उषा मागर, एंड देन आई मीट टू सोनी मागर। उसके बाद मैं निहा से मिला, एंड देन आई मीट टू कैटलिन सीट से मिला। इसी 2021 में मैं एक ऐसे पर्सन से मिला था जो थोड़ी डिफरेंट थी, एंड नाउ वी आर सिबलिंग। फिर मैं एक ऐसे पर्सन से मिला था और आज भी हम अच्छे दोस्त हैं, उसका नाम है सीओ ड्रमर। फिर कुछ टाइम बाद कॉलेज के एडमिशन भी शुरू हो गए थे। फिर 2022 शुरू हो गया था और मैं अभी तक वर्जिन था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।